सिंड्रेला का जादुई लहंगा और सैंडल। यह कहानी राजस्थान के चित्तौड़ राज्य की है, जहां एक राजा बहुत ही दयालु और ईमानदार होता है। उस राज्य में पूरी प्रजा हंसी खुशी से रह रही थी। चित्तौड़ राज्य में सुंदर सुंदर लड़कियां रहती थीं, जो कोई भी उन लड़कियों को देखता एक ही बारी में अपना दिल दे बैठता। उस राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की थी पूजा, जो अपने बुआ फूफा के साथ रहती थी। पूजा की बुआ कुंती पूजा को एक आंख पसंद नहीं करती थी और उस पर बहुत ही अत्याचार करती थी, क्योंकि पूजा एक अनाथ बच्ची थी। उसके माँ बाप उसको बचपन में छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। उसी दिन से कुंती और उसकी सगी बेटी नैना उस पर दिन रात अत्याचार करते थे। नैना, जो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी, वह रोजाना सुबह लेट उठती थी। नैना को उठते ही अपने टेबल पर नाश्ता चाहिए होता था। अगर एक दिन भी पूजा नाश्ते में लेट कर देती थी तो नैना उसको अपनी माँ से पिटाई लगवाती थी। पूजा के फूफा जी ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, क्योंकि वह शहर के एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। परंतु जब कभी भी पूजा के फूफा जी घर आते हैं, तो वह पूजा के लिए बहुत सारे उपहार लाते थे, जिन्हें देखकर कुंती और नैना बहुत जला करते थे। पूजा के फूफा शिवराम दिल के बहुत ही साफ और स्पष्टतावादी थे। पूजा के माता पिता की मृत्यु के बाद शिवराम ने ही पूजा को गोद ले लिया था और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी ली थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, परंतु कुंती और नैना का अत्याचार पूजा के प्रति कम नहीं हो रहा था। वह रोजाना पूजा से घर का सारा काम करवाते और फिर बाद में खरी खोटी भी सुनाते थे। परंतु पूजा के लिए यह बात आम हो गई थी, क्योंकि वह बचपन से आज तक अपनी बुआ कुंती और बहन नैना के अत्याचार को सहती आई थी। एक दिन पूजा घर के सभी काम करके खाना खाने के लिए जा रही होती है। अरे ओ पूजा की बच्ची, कहाँ मर गई? मेरे कमरे में देख कितनी गंदगी पड़ी है, जल्दी यहाँ आकर झाड़ू पोछा कर। बुआ जी, मैं अभी खाना खा कर झाड़ू पोछा कर देती हूँ। देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, खाना 10 मिनट लेट खा लेगी तो तू मर थोड़ी जाएगी। काम धाम तो कुछ होता नहीं है, बस पूरा दिन खाती रहती है। वो तो मेरा शुक्र मान, जो मैं तुझे इतनी महंगाई में 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे रही हूँ, वरना कहीं चौराहे पर भीख मांग रही होती। कुंती पूजा पर चिल्ला रही होती है कि तभी वहाँ नैना आ जाती है। देखिए ना, इसने कमरे में पानी गिरा रखा था, जिससे फिसल के मैं गिर गई और मेरे पैर में मोच भी आ गई। यह सुनकर कुंती को गुस्सा आ जाता है और वह बिना कुछ सोचे समझे पूजा को एक चांटा लगा देती है। यहाँ से चुपचाप अपने कमरे में निकल जा, आज तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। मासूम पूजा वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। पूजा अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के आगे बहुत जोर जोर से रोती है और रोते रोते उसे नींद आ जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं। एक दिन चित्तौड़गढ़ के राजा घोषणा करवाते हैं। सुनो, चित्तौड़गढ़ के राजा वीर प्रताप ने अपने महल में एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया है, जिसमें गांव के सभी खूबसूरत नौजवान लड़कियां आमंत्रित हैं। राजा ने यह फैसला किया है कि जो लड़की राजकुमार को अपनी खूबसूरती और अकलमंदी से प्रसन्न कर लेगी, वह अपने बेटे राजकुमार ध्रुव का विवाह उसी से करवाएंगे। यह घोषणा सुनकर गांव की सभी सुंदर सुंदर लड़कियां तैयार होने में लग जाती हैं। कोई बाजारों से सुंदर सुंदर लहंगे खरीदती है तो कोई मेकअप किट खरीदती है। नैना भी रानी बनने का सपना लिए राजकुमार से विवाह की तैयारी में लग जाती है। नैना और कुंती दोनों मिलकर एक सुंदर सा लहंगा खरीद लाती हैं। अरे ओ पूजा की बच्ची, मेरी बेटी नैना एक रानी बनने वाली है और अब तुझे इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा, समझी?
नैना और रानी वह कैसे? महाराज का हुक्म है कि राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी वह उससे राजकुमार का विवाह करवा देंगे, चाहे वह गरीब हो या अमीर। और फिर मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, गांव की कोई भी लड़की इसे अपनी सुंदरता के आगे फेल नहीं कर सकती। अगर राजकुमार को शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करनी होगी तो वह मेरी बेटी नैना से ही करेगा। माँ, मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूरे 10,000 वाला लहंगा ले आई हूँ। अब बस इंतजार है तो राजकुमार की हाँ का। मैं चाहती हूँ कि राजकुमार मुझे एक ही नज़र में पसंद कर लें और जल्दी से वरमाला मेरे गले में ही डाल दें। सुन पूजा की बच्ची, जल्दी से मेरी बेटी के लिए हल्दी का लेप तैयार कर दे। मैं अपनी बेटी को दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी दिखाना चाहती हूँ। पूजा हल्दी का लेप बना रही होती है कि तभी वहाँ कुंती आ जाती है। यह ले, मैं पार्लर से केमिकल लाई हूँ, यह इस हल्दी के लेप में डाल दे, इससे चेहरे की सुंदरता पर दुगना फर्क आएगा। परंतु बुआ जी, इसका कोई साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है, अगर नैना को इससे कुछ नुकसान हो गया तो? अरे मनहूस लड़की, शुभ शुभ बोल, तू तो चाहती ही नहीं है कि मेरी बेटी एक रानी बन जाए। और इस तरह कुंती जबरदस्ती उस केमिकल को हल्दी के लेप में डलवा देती है। थोड़ी देर बाद पूजा वह हल्दी का लेप नैना को लगा देती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब नैना अपना चेहरा ठंडे पानी से धोती है तो उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया होता है और उसके मुंह पर कुछ दाने भी हो गए होते हैं। वह भागते हुए जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। माँ देखिए ना, इस पूजा की बच्ची ने मेरा क्या हाल कर दिया है, और अब मैं यह चेहरा लेकर राजकुमार के पास कैसे जाऊंगी? अपनी बेटी का लाल चेहरा देखकर कुंती को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह दोनों मिलकर पूजा की पिटाई कर देते हैं। पूजा चुपचाप वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोते हुए कहती है, माँ पिताजी आप ही बताओ आखिर मेरी क्या गलती है, मुझे किस बात की सजा मिली है? मैंने तो बुआ जी को मना ही किया था वह केमिकल ना डालें, लेकिन फिर भी इन दोनों ने मेरे ऊपर नाम डालकर मेरी पिटाई कर दी। अगर आज आप दोनों जिंदा होते तो मैं भी अपने आप को सजती सवारती और मुझे भी वहाँ राजकुमार के फंक्शन में शामिल होने का मौका मिलता और शायद राजकुमार मुझे पसंद करके मुझसे शादी भी कर लेते। पूजा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके कमरे में एक उज्जवल प्रकाश होता है और वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। रो मत पूजा, मैं सिंड्रेला परी हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने यहाँ पृथ्वी पर भेजा है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि किस तरह तुम्हारी बुआ जी तुम पर अत्याचार करती हैं। यह लो, यह जादुई लहंगा और सैंडल हैं। तुम यह पहनकर महल में जाना, राजकुमार तुम्हें एक ही नज़र में पसंद कर लेंगे। परंतु ध्यान रखना, यह जादुई लहंगा और सैंडल गलती से भी किसी स्वार्थी और लालची इंसान के हाथ में ना आए, वरना इसका जादू उल्टा हो जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह पूजा जब वह जादुई लहंगा और सैंडल पहनती है तो वह पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित हो जाती है। पूजा अब एक राजकुमारी से कम नहीं लग रही होती। हे जादुई लहंगा, जल्दी से मुझे राजकुमार के महल में पहुंचा दे। पूजा के इतना कहते ही वह अपने आप को महल में देखती है और उसे उस लहंगे के जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। वहाँ फंक्शन में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई होती हैं, परंतु राजकुमार पूजा को पहली ही नज़र में पसंद कर लेता है और पूजा की तरफ आकर पूजा का हाथ मांगता है। पूजा को भी राजकुमार पसंद आता है और इस तरह राजा दोनों की शादी करा देता है। वहीं दूसरी तरफ कुंती और नैना पूजा के इतना खूबसूरत होने के बाद
पूजा को पहचान नहीं पाते और नैना का रानी बनने का सपना धरा का धरा रह जाता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।